उमरकोट से खबर शामिल करती हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली राणा हमीर सिंह ने कहा है कि थर्ड पार्कर जिला के 200 से जायद मुख्तलिफ गांव गोठों में पीने के पानी के लिए 500 सोलर ट्यूब वेल लगाने के लिए 200 मिलियन रुपए बजट की मंजूरी पर कहा है कि इकदाम से अवाम को पीने का साफ पानी मैसर आएगा। MPA राणा हमीर सिंह का कहना है कि थर्ड में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अवामी खिदमत और तरक्की का सफर जारी रहेगा। इस मनसूबे की तकमील से थर्ड में ज़रात के शोबा को फ़रोग मिलेगा। सहराई थर के मुख्तलिफ गाँव गोठों में पीने के पानी की फराहमी के लिए थरी बाशिंदों में उम्मीद की किरण पैदा हो चली है। रकन सूबाई असम्बली राणा हमीर सिंह का कहना है कि इस मनसूबे की तकमील से गरीब थरी बाशिंदों को अपने करीबी इलाकों में पीने के साफ पानी की सहूलत हासिल होगी। अब खवातीन को पानी के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। थर पार्कर जिला में 250 सालों का पानी मौजूद है। थर में पानी की किल्लत नहीं, सिर्फ एक जामा मनसूबाबंदी की जरूरत है। राणा हमीर सिंह का कहना है कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद सियासी जमात है जो गरीब अवाम की हकीकी खिदमत करती है। बिलावल भुट्टो की क्यादत में वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की वजारत आला में थर में तरक्की और खुशहाली का सफर जारी है। थर के दूर दराज पसमानदा इलाकों में पीने के पानी, तालीम, सेहत, सड़कों और फ्राहमी आबो निकासी की तरक्याती मनसूबे जारी है। इस मनसूबे से एक बार फिर उम्मीद हो चली है कि थर की गैर आबाद बंजर जमीने आबाद होंगी। थर में ज़राअत का शोभा तरक्की पाएगा।